अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बनाएंगे कोकोनट बर्फ़ी। कोकोनट बर्फ़ी बनाना बहुत इजी होता है, 30 मिनट्स के अंदर अंदर बन जाती हैं। और इसको बहुत सारे फेस्टिवल्स पे, जैसे ईद पे, दिवाली और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स पे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट। ये मैंने घर पर इसको ग्राइंड किया है, आप चाहे तो बाज़ार से भी ला सकते हैं। 500 ग्राम लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कार्डमम पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। शुगर मैंने 6 टेबल स्पून लिया है, या 1 कप आप ले सकते हैं। मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून और मिल्क 4 टेबल स्पून या हाफ कप। और ये कंडेंस मिल्क मैंने लिया, ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, कैसे बना सकते हो आप। तो उसके बाद मैंने एक पैन में हम घी डालेंगे, तो मैंने 2 टेबल स्पून हम घी डालेंगे इसमें। घी डालने के बाद इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें हमारा जो कोकोनट है वो ऐड कर देंगे। याद रहे, इस टाइम पे जो है फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए और घी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, जब आप इसमें कोकोनट डालोगे तो वो कोकोनट जो है वो ईजिली बर्न हो जाएगा और कोकोनट में ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाएंगे, जो बनाने में दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेक श्योर कि आप फ्लेम जो है लो से मीडियम रखें और घी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से रोस्ट कर देंगे जब तक इसमें अच्छी सी जो है स्मेल नहीं आ जाती। अब देखिए, ये हल्का हल्का ये ब्राउनिश येलोइश होने लगा है और ये रोस्ट हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है कंडेंस मिल्क डालेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर इसको एक बहुत अच्छी सी नो स्वीटनेस और फ्लेवर देता है। और 1 टेबल स्पून हम इलायची पाउडर डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है जब तक कि ये सारे जो हमने चीज़ें डाली इंग्रेडिएंट्स, वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। याद रहे, हमने मिल्क पाउडर डाला है तो वो भी ऑलरेडी स्वीट होता है, तो आप शुगर जो है हिसाब से ही डालें। तो मैंने 500 ग्राम में मैंने 1 कप शुगर लिया है। आप चाहे तो अगर आप ज़्यादा नहीं खाते तो कम ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। बट अगर आप 500 ग्राम्स का डेसिकेटेड कोकोनट ले रहे हैं तो 1 कप शुगर इज इनफ। तो इसको हम इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब जो है हम जो मिल्क है वो डालेंगे इसमें। तो मैंने हाफ कप मैंने मिल्क लिया है, और ये मिल्क डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इसके साथ। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर देना है जब तक कि ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी नहीं बन जाता और ये एक जो है शेप होल्ड नहीं कर लेता। तो हमें इसको तब तक हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, अभी अच्छे से जो है शेप होल्ड करने लगा है। अब अगर आप देख सकते हैं, जो जिस चम्मच से मैं इसको हिला रही हूँ तो उस पर बहुत सारा जो है कोकोनट स्टिक हो गया है। इसका मतलब कि अब ये अच्छी सी शेप होल्ड करने लगा है। तो इसके बाद जो है हम इसको एक होल्डर में डाल देंगे जो इसको शेप होल्ड कर सके। आप कोई भी आप आइसक्रीम कंटेनर ले सकते हैं या कोई भी कंटेनर ले सकते हैं जो इस बर्फ़ी की शेप को होल्ड कर सके। तो मैंने बॉक्स जैसा कंटेनर लिया है, तो मैं इसमें इसको सेट कर दूंगी। बर्फ़ी को पूरा सेट होने तक के मैं इसको अच्छे से सेट कर दूंगी इसमें। जब ये सेट हो जाए, इसको अच्छे से सेट करेंगे, उसके बाद हमें इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है। हमें इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, जो नीचे वाला जो रेफ्रिजरेटर का पार्ट होता है हमें उसमें रखना है। और बस दो घंटे के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी इनफ होता है अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करें। देखिए, अब हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो गई हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसके जो शेप में, जो जिस भी शेप में आप इसको काटना चाहते हैं, स्क्वायर या जैसे भी शेप में आप इसको काटना चाहते हैं तो आप इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स में कट कर दूंगी और इसको एक अच्छी सी शेप दूंगी। आप चाहे तो किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। जब अभी देखिए, अभी कट हो चुका है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा नट्स के साथ गार्निश कर देंगे। आप कोई भी अपनी चॉइस के नट्स ले सकते हैं, पिस्ताचोज अगर आपके पास हैं आप वो ले सकते हैं, आमंड, कैशू, जो भी हैं आप वो ले सकते हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, इट्स जस्ट कि ये दिखने में अच्छा लगे तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो बस हमारी जो कोकोनट बर्फ़ी है वो तैयार हो गई। और
कोकोनट बर्फ़ी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बर्फीज़। ये बहुत टेस्टी होती हैं और काइंड ऑफ हेल्दी भी होती हैं। तो आप भी इसको घर पे बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज़। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।